सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम महबूब नगर की जानिब से दावत इफ्तार और तनाउल ताम का मुस्तखर के पैराडाइज फंक्शन हॉल में कामयाबी के साथ मुनाकिद हुआ। इस दावत इफ्तार तकरीब में मान खसूसी की हैसियत से मुकामी रुकन असम्बली NM श्रीनिवास रेड्डी, हल्के महबूब नगर पार्लिमानी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार चल्ला वंशी चंद रेड्डी, अखलेती मालेती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, पीर साबिर साहब जनरल सेक्रेटरी जमयतुल माहिंद APO तेलंगाना, अब्दुलरजाक शाह खादरी सज्जादा नशीन दरगाह शाह साहब गुट्टा ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली NM श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के साथ है और मुसलमानों का जो भी हक है उनको दिलाने के लिए हम आगे आएंगे। जो भी मसाइल हैं हुकूमत के साथ बैठकर उसको हल के लिए अंतक जिद्दोजहद करेंगे। NM श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस कम मुद्दत में हमने महबूब नगर में मुसलमानों के जो मसाइल थे उन्हें हल कर लिया गया है, जिससे आप सभी बखूबी वाकिफ हैं और आगे भी पूरी कौम को तरक्की की जानिब गामजन करने हमसे जो भी हो सकता है उसको जरूर करेंगे। जबकि चल्ला वंशी चंद रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि हम सब एक हैं और तेलंगाना की जो हुकूमत है वो आवाम की भलाई वाली हुकूमत है। इसी तरह सेंट्रल में भी कांग्रेस अलायंस की हुकूमत कायम होती है तो ये मुल्क के हर शख्स के लिए बेहतर होगा। वंशी चंद रेड्डी ने कहा कि हम मुसलमानों के मसाइल को ज़रूर सुनेंगे और उसके हल के लिए भी इकदाम करेंगे। हम जानते हैं महबूब नगर में मुसलमानों के कई मसाइल हैं, हम इनको एक एक करके मुस्तकिल तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ तालीम और रोजगार के लिए हमारी पूरी तवन्नाई सर्फ करेंगे। इस मौके पर गुलाम गौस कन्वेनर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम महबूब नगर, मीर शोएब अली को कन्वेनर, खालिद नवीद को कन्वेनर, अवस बिन बाहियाल सदर अहल सुन्नत कमेटी, मौलाना अब्दुल खवी सदर जमयत उलमा मकथल, शेख सिराजुद्दीन नाजिम जिला जमात इस्लामी महबूब नगर, मौलाना गुलाम मोहम्मद रशीदी, ख्वाजा मैनुद्दीन इस्माइल जमयत उलमा हिंद, अब्दुल मजीद ज्वेलर, सिराज मारफानी सदर मैमन कमेटी, मुबीन खादरी के अलावा महबूब नगर के उलमा कराम दानिश्वर हजरात की एक कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए तकरीब को कामयाब बनाया। खुशी के लिए मैं जनाब हाजी शरीफ साहब को गुजारिश करता हूं कि दादे साहब की रूमखोशी और शानखोशी फरमाएं। और हम सब लोग आपके साथ हैं और मुसलमानों का हक के लिए हम जरूर आगे आएंगे और हमारे हुकूमत के साथ बैठ के बात करके आपके जो भी मसले हैं हम उसको पूरा करने की जी जान कोशिश करेंगे। ये 3-4 महीने में हम कामयाब हो गए कुछ मसले हल करने के लिए, वो सब आप जानते हैं, और आगे और मेहनत करके पूरा काम तरक्की के रास्ते पे लेके जाने के लिए हमारा जो भी हो सकता है काम वो करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे मुझे सपोर्ट करके जिताया वैसे ही आने वाले MP इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट वंशी चंद रेड्डी साहब को भी वही प्यार देना भूल के यहाँ से आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जय हिंद। NM श्रीनिवास रेड्डी गारी साबिर गारी कोतवाल गारी यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम वाले सबको, मंच पर बैठे हुए सभी मेहमानों को, इधर आए हुए आप सबको मैं सलाम करता हूँ। जो बात श्रीनिवास रेड्डी साहब बोले वो सब मैं भी उसका
बातों को ताकत देते हुए मानते हुए मैं आप सबको सिर्फ एक बात छोड़ना चाहता हूँ। आप हम सब लोग मिले तो ही हम बन जाते, हम सब एक है। हमारा सियासत तो जो तेलंगाना में है वो सियासत हमारे सबके लिए सोचने वाले वाला सियासत है, और आप सबको का मदद से अगर दिल्ली में भी कांग्रेस और कांग्रेस का जो अलियंस है इंडिया में वो सियासत अगर आए तो हम सबके लिए अच्छा होगा। आपका जो भी समस्या है वो समस्या को सुनने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, सुनेंगे और उसको हल भी करने का कोशिश करेंगे। महबूब नगर में पर्टिकुलरली महबूब नगर में बहुत सारे मसले हैं हमारे लोगों का, हम दोनों को वो सब इश्यूज मालूम है, वो सबका रिजॉल्व करने का कोशिश हम करेंगे। और पर्टिकुलरली तालीम और रोजगार के लिए हम हमारा पूरा ताकत लगा के पूरा हर एक मसले पे आपके आपका साथ रहेंगे। हम सब मिलके महबूब नगर को डेवलप करने का कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों से बात करने का मौका देने वाले यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम वालों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। के बारे में अश्योरेंस चाहिए, और एक बात बोले कि पिछले असेंबली इलेक्शन में श्रीनिवास रेड्डी साहब को पूरा ताकत दिए और उनका जीतने में हमारा एफर्ट था, और बोल रहे थे कि एमपी इलेक्शन में भी सपोर्ट करेंगे, इसका अश्योरेंस देना। पहले मैं आप सब लोगों को अच्छा आदमी काम करने वाला आदमी श्रीनिवास रेड्डी साहब को जिताने के लिए मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा बात है एनआरसी का जो भी आप बात बोले, मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, गलत ऐलान करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, अप्रैल 6 तारीख तक आप वेट कीजिए, मेरे मुंह से नहीं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मुंह से आप उसके बारे में एश्योरेंस आप सुनेंगे। मैं पिछले सीडब्ल्यूसी मीटिंग में मैं था, रेवंत रेड्डी साहब थे, उधर कांग्रेस मैनिफेस्टो का डिस्कशन हुआ। मैं छोटा आदमी हूँ इसलिए मैं इधर बोलना नहीं चाहता हूँ, खड़गे साहब उसके बारे में आपको बोलेंगे। 6 तारीख के बाद हम मिलेंगे। इस बात से बोल रहा था हमारा ये फोरम जो हमारे बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस फोरम में हमने तमाम मकादिम लीडर को जमा कर दिया है, सब ने लबैक किया है, जो भी काम दिया गया हम सब ने जो इत्तफाक तौर पर जो डिसीशन लिए थे वो डिसीशन को हम काम करते हुए हम अपने अब्दुल अजीज एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब को जिता दिए। उसी तरह से हम आप काम करके ये स्थायी कुवतें बोलो या कम्युनल कुवतें बोलो या ये कुवतों को हम दूर करने के लिए जो सेकुलर कुवतें हैं उनको ताकत देने के लिए हम तमाम मुतफिक होना है। अब इस बारे में एक ही बात मुझे कहना है कि हम ये नुमाइंदगी करे थे कि सब भी तकरीबन बहुत सारे लोग नुमाइंदगी करे, हम भी उसमें एक है नुमाइंदगी करे थे। सीएम साहब जब आए थे तो यहाँ पर क्या बात इसमें तो नुमाइंदगी में हमको बहुत सारी चीज़ें हम जो मांगे थे उसमें अदा कर दिए गए। इलेक्शन कोड है इस वास्ते के वो तकरीबन इंशाल्लाह हम इनसे गुजार हमारे हरदिल अजीज एम एम श्रीनिवास रेड्डी अवेले साहब से गुजारिश करते हैं, इसका पीछा करते हुए हम इसका As MLA in Mahanagar, the very next work is MPs to get MPs up as a winner. So we want an assurance from you people.